Assalamualaikum. Today our topic is comparison test. The statement is, let x is equal to xn and the y is equal to yn by real sequences. And suppose that for some case belongs to n, we have 0 is the less than equal to xn is less than equal to yn for n is greater than equal to k. सबसे पहले हम इस क्राइटेरिया को समझते हैं कि आखिर इसमें यहाँ पर हमें क्या कहा है. उसने कहा कि लेट अगर हमारे पास x और y कोई सी दो सीक्वेंस हैं रियल नंबर्स की, हम रियल नंबर्स के सीक्वेंस की इसमें बात कर रहे हैं और डिस्कस भी हमने यही किया है अब तक पीछे. एक तो हमें ये चीज गिवन है, ठीक है, xn गिवन है, yn गिवन है, दो हमारे पास रियल सीक्वेंस गिवन है. और उसने कहा कि एक चीज ये गिवन है कि सपोज कहते हैं हम कि अगर k कोई किसी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो वी हैव दिस कि xn यानी जो इस सीक्वेंस की जो xn की टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, इस yn की जो बनने वाली सीक्वेंस की टर्म होंगी उनसे क्या होंगी, स्मॉल होगी. इट मींस कि xn की टर्म्स yn की टर्म से स्मॉल होंगी, yn की बड़ी होंगी. फॉर द n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, ये n उस इंडिसेस की बात हो रही है, ठीक है, जो यहां पर यूज हुआ है जस्ट. और इसकी बात हो रही है कि ये किसी k जो एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से है उसमें से ये n क्या होगा, उससे बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा. ये तो सारी हमें क्या थी, गिवन था इस प्रूव में. जो स्टेटमेंट थी कंपैरिजन टेस्ट की, जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसमें यहां से यहां तक ये गिवन है. अब यहां पर हमने प्रूफ क्या करना है, देन ए पार्ट हमें कह रहा है कि देन द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज वाई एन. पीछे सीक्वेंस की बात की हमने, ठीक है, अब हम सीरीज की बात करें. वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास yn जो सीरीज है अगर वो कन्वर्ज करती है, अब हमें क्या गिवन है, इसकी कन्वर्जेंस भी गिवन है इस स्टेटमेंट में यहां तक. लेकिन इम्प्लाइज प्रूफ क्या हमें करना है कि इम्प्लाइज द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज xn, ठीक है. दूसरा हमें ये प्रूफ करना है कि द डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज xn, इट मीन्स दैट कि अब हमारे पास गिवन ये है कि हमारे पास जो सीरीज xn होगी, ठीक है, अगर वो डाइवर्ज कर रही है तो वो इस चीज को इम्प्लाई कर रही है कि हमारे पास सीरीज जो होगी जो yn होगी वो भी डाइवर्ज करेगी. अच्छा, इस पूरे क्राइटेरिया में हमें इस बात को समझना है कि अगर बड़ी वाली सीरीज, आप देख सकते हैं ना बड़ी वाली ये है, अगर बड़ी वाली सीरीज कन्वर्ज करती है तो छोटी वाली भी करेगी, ठीक है, जो उससे छोटी है. लेकिन अगर हमारे पास छोटी वाली सीरीज डाइवर्ज करेगी तो उसके आने वाली हर बड़ी सीरीज भी क्या करेगी, उससे डाइवर्ज ही करेगी. हमें इस स्टेटमेंट से ये बात पता चली. अब इसको लेट हम इसको प्रूफ करते हैं. प्रूफ में हमारे पास जो जो गिवन होता है हम उसको लिख लेते हैं और जो हमने प्रूफ करना होता है हम उसको लेते हुए चलते हैं. लेट अब जो चीजें मुझे गिवन है मैं उसको यहाँ पर लिख लेती हूँ. लेट एस एन बी द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज वाई एन. पार्शियल सम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि सीरीज के अंदर हम पार्शियल सम को डिस्कस करते हैं ना, और क्योंकि हमारे पास वाई एन सीरीज जो है उसकी कन्वर्जेंस गिवन है हमें थ्योरम में. हमें प्रूव ये करना है कि हमारे पास सीरीज एक्स एन भी कन्वर्ज करती होगी. तो लेट एस एन बी द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम ऑफ द सीरीज ऑफ वाई एन. एंड अब हमने यहां लिखा एस एन डैश डिफरेंट करने के लिए, बी द सीक्वेंस of partial sum of series xn, ठीक है. हमें इसका partial sum तो लेना पड़ना था summation का, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाली सीरीज भी कन्वर्ज करती है. सो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, partial sum ले लिया इस सीरीज yn का, और फिर हमने इस सीरीज xn का भी sn dash एक partial sum ले लिया. सिंस अब हमें गिवन क्या है, सिंस सीरीज yn is convergent, ठीक है, ये चीज हमें गिवन है. लुक एट दिस कन्वर्जेंस ऑफ दिस, ठीक है, ये चीज हमें गिवन है. सिंस द सीरीज ऑफ yn इज कन्वर्जेंट सो अब जो उसका पार्शियल सम होगा वो भी कन्वर्ज करेगा. सो द sn इज आल्सो कन्वर्जेंट सीक्वेंस. तो
के सीरीज हमारे पास y n जो है वो कन्वर्ज कर रही थी, ठीक है, अभी जो मैंने पीछे लिखा, और इस वजह से हमारे पास एस एन का पार्शियल सम भी कन्वर्ज करेगा. सो बाय कॉशी कन्वर्जेंस थ्योरम, सही. अब इसमें हम किसका रेफरेंस दे रहे हैं, इस थ्योरम का, कॉशी कन्वर्जेंस थ्योरम का हम क्या करेंगे, इसमें रेफरेंस देंगे. अब आपको पता है कि कॉशी हमें क्या कहता है, बाय डेफिनेशन ऑफ इट्स फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन टू जीरो देन देन देयर एग्जिस्ट एम ऑफ एप्सिलॉन सच दैट एस एम माइनस एस एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल द एम एंड एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम ऑफ एप्सिलॉन. मैंने अभी अपने कल के पिछले प्रीवियस थ्योरम आपको जो समझाया था उसमें मैंने आपको यही क्राइटेरिया बताया था कि अगर हमारे पास कोई सीरीज कन्वर्ज करती है तो कॉशी ये कहता है, कॉशी कन्वर्जेंस थ्योरम हमें ये कहता है कि वहां पर एक ऐसा एप्सिलॉन होगा कि जो उसका पार्शियल सम होगा, अगर उन दोनों के डिफरेंस लेंगे हम तो वो किसी एक एप्सिलॉन से क्या होगा, लेस होगा. वेयर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन टू जीरो फॉर ऑल द एम एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम ऑफ एप्सिलॉन. सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उस कॉशी कन्वर्जेंस थ्योरम को अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास वाई एन क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है. इस वजह से थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि अगर हमारे पास कोई सीरीज कन्वर्ज करती होगी इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन टू जीरो तो इसका जो पार्शियल सम होगा उस वो ये चीज होल्ड करेगा, ठीक है. हमने उस थ्योरम को इस पे अप्लाई कर दिया. अब चूंकि अब हम क्या लिखेंगे, इसकी टर्म्स लिखेंगे. आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मेरी मिलती रहें. सो नाउ आपको पता है कि एस एन माइनस एस एन की जो नंबर ऑफ द टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, वाई एन प्लस वन प्लस वाई एन प्लस टू प्लस सो ऑन एंड डी वाई ऑफ एम. क्योंकि हमारे पास एस एम कैसे आया मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ. देखें Sm हमारे पास क्या है, Sn हमारे पास जो होगा वो होगा y को अगर हम इस टर्म से लेंगे कि हमारे पास n प्लस वन एंड n प्लस टू तक जाएंगे हम तो हम लेंगे y1 वन प्लस वाई टू प्लस सो ऑन वाई ऑफ टू दी n, ठीक है. फिर प्लस के साथ आप यहाँ कहेंगे n प्लस वन फिर प्लस n प्लस टू, ठीक है, y n प्लस टू एंड दी सो ऑन और यहाँ पर आ जाएगा y ऑफ m, ठीक है. हम यहाँ पर इस तरीके से इन टर्म्स को ले रहे हैं ना. अब हमें ये पता है कि एस एम वाली जो होंगी वो एन प्लस वन से आगे से चल रही हैं, ठीक है. एस यानी इसमें ये पूरी आ जाएंगी, ठीक है, एस एम में ये पूरी आ जाएंगी लेकिन एस एन की क्या होंगी, जस्ट वाई वन प्लस वाई टू प्लस सो ऑन एंड दी वाई ऑफ टू दी एन. एस एम में ये पूरी होंगी, जब इनका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास ये नंबर ऑफ दी टर्म्स आ जाएंगी, सही. इसको मजीद समझने के लिए अगर आप मेरे पिछले थ्योरम को देखेंगे तो आपको उसमें मजीद अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि मैंने ये वाली टर्म्स कैसे लिखी हैं, क्योंकि वो भी चीज इसी चीज को ही दिखा रहा है. इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, आप इन टर्म्स को यूं लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि एस एम जो होगा आपके पास ये वाली नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, एस एन ये होंगी. जब आप एस एम को एस एन से माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाली रिमेनिंग टर्म्स बच जाएंगी. फॉर ऑल दी एम एंड एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम ऑफ दी एप्सिलॉन, ये साथ साथ चलेगा. सो नाउ अब हमें ये बताया कि वाई एन प्लस वन प्लस वाई एन प्लस टू प्लस वाई सो ऑन वाई ऑफ टू दी एम इज दी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल दी एम एंड एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम ऑफ एप्सिलॉन, सही. अब हमें सिंस एक और चीज जो कि थ्योरम में गिवन है वो ये गिवन है कि जीरो इज लेस देन इक्वल टू एक्स एन इज द लेस देन इक्वल टू वाई ऑफ एन, ठीक है, हमें ये चीज भी गिवन थी. हम इसको भी अब इसमें यहाँ पर यूज करेंगे. बाय यूजिंग ऑफ इट इट मीन्स दैट अब आप इसकी टर्म्स को लिखें क्या होंगी, एक्स एन प्लस वन प्लस एक्स एन प्लस टू एंड दिस सो ऑन एक्स ऑफ टू दी एम, ठीक है. इसी क्राइटेरिया को यूज करते हुए जो ये वाली टर्म्स होंगी ऑब्वियस सी बात है चूंकि इस वाले रिलेशन से एक्स एन प्लस वन एक्स एन प्लस टू इसकी भी जितनी नंबर ऑफ दी टर्म्स होंगी क्या होंगी, वो लेस हो जाएंगी इसकी नंबर ऑफ टर्म्स से जो कि मैंने यहाँ पर लिखी.
दैट इज वाई एन प्लस वन प्लस वाई एन प्लस टू, ठीक है, एन प्लस सो ऑन टू दी वाई ऑफ टू दी एन बाय दिस क्राइटेरिया. हम इस वाले टर्म को यूज कर रहे हैं. इसके हिसाब से चूंकि ये वाली टर्म तो लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसके पीछे आने वाली भी जो टर्म्स होंगी वो भी मेरे पास क्या होंगी, इससे लेस हो जाएंगी. चूंकि ये लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल दी एम एंड एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ, ठीक है. अब हम इसका क्या करेंगे, सुप्रीमम ले लेंगे के एंड एम ऑफ एप्सिलॉन का. क्योंकि हम यहाँ पर m और n की बात कर रहे हैं, अब चूंकि यहाँ पर n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू k ऑफ एप्सिलॉन भी है, और m और n जो है वो हमारे पास चूंकि m और n जो था वो ग्रेटर देन इक्वल टू m ऑफ एप्सिलॉन भी था, सही. अगर अब n हमारे पास ग्रेटर है इक्वल है m ऑफ एप्सिलॉन से, k से भी बड़ा है, ठीक है. n एक ऐसा नंबर है जो इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है उसके सुप्रीमम से भी बड़ा होगा. सुप्रीमम का मतलब इनसे भी बड़ा नंबर, उससे भी क्या होगा, ये बड़ा होगा. सो अगर हम हमारे पास ये वाली चीज चूंकि इससे लेस है और ये टर्म इससे लेस है, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक्स एन प्लस वन एक्स एन प्लस टू एंड दी सो ऑन एंड दी एक्स एम दी, ये भी क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन. ऑब्वियस सी बात है जो चीज इससे छोटी है और ये वाली चीज इस वाली टर्म से छोटी है, तो ये वाली टर्म भी इससे छोटी हो जाएगी. सो अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या कहेंगे, इस चीज को हम यूं लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल दी एम एंड एन ग्रेटर देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ टू दी के एंड एम ऑफ एप्सिलॉन. अब हमारे पास यहां तक तो हम पहुंच गए जहां पर हमें क्या आया कि एक्स एन प्लस वन प्लस एक्स एन प्लस टू एन दिस ऑन एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल दी एम एंड एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ टू द के एंड एम ऑफ एप्सिलॉन. सो हमने अभी जो मैंने आपको कॉशी कन्वर्जेंस जो क्राइटेरियन बताया है, जो थ्योरम हमें बताता है कि अगर कोई सीरीज समीशन ऑफ एक्स एन कन्वर्ज करती है इफ एंड ओनली इफ के साथ, यानी इसका कन्वर्स भी अगर होल्ड करे, तो क्या होगा कि कैसा एप्सिलॉन यहाँ पे मौजूद होगा सच दैट एम ऑफ एप्सिलॉन इज बिलोंग्स टू एन, कि ये वाला क्राइटेरिया उसमें होल्ड करता हूँ. क्योंकि अब हमारे पास क्या आ गया, ये चीज आ गई, तो हम इसको इस तरीके से यू मोड में लिख सकते हैं, ठीक है. अब हमारे पास ये चीज किस चीज के इक्वल है, ऑब्वियस है ये दो पार्शियल सम्स का डिफरेंस है. सो हमने पीछे जो सीरीज ऑफ हमारी जो एक्स एन सीरीज थी उसका भी पार्शियल सम स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, उसको लेट किया था, डेट इज एस एन डैश, सही. उसको यूज करते हुए हम चलते हैं, हम यहाँ पे कहेंगे कि एस एम डैश इज दी लेफ्ट एन एप्सिलॉन, दिस इम्प्लाइज दैट, ये चीज इस चीज को इम्प्लाई कर रही है. सो फॉर ऑल दी एम एंड एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ के एंड एम ऑफ एप्सिलॉन, ठीक है. सो ये चीज हमें क्या बता रही है कि इसका मतलब हमारे पास ये क्या हो गया, एस एन डैश जो हुआ हमारे पास क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट इज अ कॉशी सीक्वेंस, ठीक है. ये आपके पास एक कॉशी सीक्वेंस हो गया, ठीक है. और कॉशी सीक्वेंस, यू नो एवरी कॉशी सीक्वेंस इज दी कन्वर्जेंट सीक्वेंस. इसका मतलब एस एन डैश जो होगी हमारे पास, जो उसका पार्शियल सम है, वो क्या आ रहा है, कन्वर्ज कर रहा है. सो दिस सीरीज इज अ सॉरी दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस. ये हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया. और चूंकि इस थ्योरम की मदद से अगर कोई चीज किसी भी पार्शियल सम में ये चीज होल्ड करती है, तो सीरीज भी क्या कर जाती है, कन्वर्ज कर जाती है. मेरे पास ये वाली चीज होल्ड कर गई इफ एंड ओनली इफ के साथ, तो दिस इम्प्लाइज दैट द सीरीज ऑफ एक्स एन इज अ कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक. ये तो अभी हमारा वो ए पार्ट प्रूव हुआ. अब हम किसकी तरफ मूव करेंगे, अपने बी पार्ट की तरफ. हमने इस थ्योरम को इसमें यूज किया, हमने यहां तक इस पूरे क्राइटेरिया तक पहुंचे, और इसकी मदद से हमने ये बात कह दी कि अगर हमारे पास किसी बी सीरीज के पार्शियल सम में ये चीज मौजूद होगी, तो वो हमारे पास सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी. चूंकि हमारे पास गिवन ये था कि हमारे पास सीरीज वाई एन कन्वर्ज करती है, हेंस हमारे पास ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव दैट इफ अगर कन्वर्जन है, कन्वर्जेंस ऑफ समेश सीरीज वाई एन इम्प्लॉयज दैट
implies that convergence of xn, series xn, ठीक है, अगर yn करती है तो xn भी करेगी, ये चीज हमारे पास प्रूव हो गई। अब हम इसके b पार्ट की तरफ मूव करते हैं। b पार्ट हमें क्या कह रहा है कि दैट डाइवर्जेंस ऑफ दी डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज xn इम्प्लॉयज द डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज yn। अब हमें ये चीज प्रूव करनी है, हमने इसका ए पार्ट प्रूफ किया, अब मैं आपको इसका बी पार्ट प्रूफ करने लगी हूं। इसमें हम क्या करेंगे, सपोज दैट द सीरीज एक्स एन इज अ डाइवर्जेंट, जो कि हमें गिवन है, ठीक है, कि ये हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंट है। अब मैं इसके बी पार्ट को प्रूफ करूंगी, द डाइवर्जेंट ऑफ सीरीज एक्स एन इम्प्लाइज द डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज वाई एन। सपोज दैट द सीरीज जो हमारे पास एक्स एन है, क्योंकि वो डाइवर्ज करती है, ये चीज हमें क्या है, गिवन है, और प्रूव हमें करना है कि ये सीरीज भी, यानी हमारे पास जो सीरीज वाई एन होगी वो भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। सो हेंस द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम दैट इज एस एन डैश, हमने एस एन डैश लिया था ना स्टार्टिंग में, इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक सीरीज डाइवर्ज कर रही है तो उसका पार्शियल सम भी डाइवर्ज करेगा, क्योंकि वो मैंने पहले ही लेट कर लिया था। सिंस अब हमें ये जो गिवन है, इसी क्राइटेरिया को हम यूज करेंगे, इसको यूज करते हुए हम आगे चलते हैं। हमारे पास चूंकि ये वाली चीज गिवन है, और हमें कहा जा रहा है कि इसका पार्शियल सम जो होगा वो हमारे पास क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। अब आपके पास एस एन डैश इस चीज से हमें पता चल रहा है कि अगर एक्स एन की जो नंबर ऑफ द टर्म्स है, अगर वो वाई एन से क्या है, छोटी है, तो इसका मतलब इसके पार्शियल सम्स की भी जो टर्म्स होंगी वो इसकी टर्म से क्या होंगी, छोटी होंगी। ऑब्वियस सी बात है, आप इसका पार्शियल, क्योंकि सीरीज है ना, इसका पार्शियल सम बनाए, इसका बनाए, इसकी जो नंबर ऑफ टर्म्स है वैसे ही वो इससे, और इसी से ही मिलकर इसके पार्शियल सम की भी टर्म्स बनेगी। अगर ये छोटा है इससे, तो ये इसके पार्शियल सम की भी जो टर्म्स होंगी वो छोटी होंगी, सही। सो हमारे पास ये चीज क्या बताती है, फॉर ऑल द एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, इससे हमें पता चल रहा है कि अगर कोई सीरीज, छोटी सीरीज हमारे पास, अगर छोटी सीक्वेंस अगर हमारे पास डाइवर्ज कर रही है, अगर ये किसी पॉइंट को नहीं पहुंचती है, तो इसका मतलब इससे बड़ी आने वाला भी नंबर वो अपने किसी भी अगले पॉइंट को, उससे बड़ा आने वाली भी सीक्वेंस होगी, या उसके बड़ा आने वाले का भी जो पार्शियल सम होगा वो भी किसी भी पॉइंट को क्या करेगा, अप्रोच नहीं करेगा। सो दिस इम्प्लॉयज दैट द एन इज आल्सो डाइवर्जेंट, सो डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब इसका पार्शियल सम चूंकि डाइवर्जेंट है, सो हेंस वी कैन से दैट द सीरीज वाई एन इज डाइवर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज, हेंस हमारे पास ये चीज क्या होगी, प्रूव्ड हो गई। आई होप कि आपको कंपैरिजन टेस्ट जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम इसको क्वेश्चंस पर अप्लाई करके भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम पता करते हैं कि ये अगर एक सीरीज हमारे पास कन्वर्ज कर रही है, तो इस क्राइटेरिया को देखते हुए हम कैसे कह देते हैं कि दूसरी सीरीज उसी के हिसाब से कन्वर्ज कर रही है, और अगर एक डाइवर्ज कर रही है छोटी सीरीज, तो अगली वाली भी डाइवर्ज करती है। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।